यूट्यूब चैनल के अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 14 मिलियन है। क्या अमन 14 मिलियन है? 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला फर्स्ट टाइम यूट्यूबर जो है मेरे रूम पे आया हुआ है। लवड़े का 14 मिलियन सब्सक्राइबर। सच बताओ जब मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल विजिट किया पता है कितने सब्सक्राइबर थे? 16,000 सब्सक्राइबर। अब मैं मनोज से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनता से इतना बड़ा झूठ क्यों? थोड़ा सा मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। मोटिवेशन बांटेगा हमें चूतिया बनाएगा आज इसकी गाड़ फाड़ देंगे। हमारे टेक चैनल के यूट्यूब क्रिएटर जो टेक पे बातें बहुत कम करते हैं लेकिन बकचोदी बहुत ज्यादा करते हैं। एवरीवन आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो अभी आप लोग देख सकते हो पीछे में कौन है, पीछे बैठ गया हूँ रियो को लेकर क्योंकि बहुत ज्यादा छटपटा रहा है। अमित को परेशान कर छटपटा रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। इनकी कोई वीडियो खोली नहीं की बकचोदी। इंडिया में हर चीज का तोड़ मिल जाएगा आपको। सो गाइस मैंने यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लिया है, हैक कर लिया है। नैया पार हो जाएगी, आपका YouTube चैनल हवा में उड़ जाएगा। भाई आराम से भी बता सकता है क्योंकि हम सबको जानना है कि तूने YouTube का कौन सा एल्गोरिथम पकड़ लिया। देखो पहले मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालता था, सुबह 8 बजे वीडियो डालता था। पहले वीडियो वायरल नहीं होती थी, मैंने YouTube वीडियो का टाइमिंग चेंज करी, मैं 5 बजे डालने लगी। घोषणी के तुमने एल्गोरिथम पकड़ा है कि अगर सुबह कोई वीडियो डाल रहा है तो उसकी वीडियो नहीं चली, अगर शाम को डाल रहा है तो उसका चैनल हवा में उड़ जाएगा। अगर यार तुम लोग में से किसी को यूट्यूबर बनना है प्लीज टेक्निकल चैनल कभी मत देखना। तुम यूट्यूबर बनोगे कि नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को चूतिया बनाना जरूर सीख जाओगे। हम आ गए फाइनली मनोज भाई से मिलने के लिए, इनका गाड़ी यहाँ पे है। मनोज भाई यहाँ पे झारखंड किसान के धनबाद। काहे लिए परेशान करने आ जाते हो जहाँ तहाँ से, एकदम बकवास वीडियो बनाता है। हटाइए वीडियो को, हटाइए। क्या मनोज भाई आपने इस बेचारे की बेइज्जती कर दी, लेकिन मुझे पता आपने ऐसा नहीं किया है, सच बोल रहा हूँ ना। यार मनोज भाई ने हमारे समाज में जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं उनको एक सीख दी है, ये वीडियो का ट्रिक था सस्पेंस क्रिएट करने का। इस तरह से इस वीडियो से हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि सस्पेंस क्रिएट करना है तो कुछ यूनिक, इस तरह से कुछ यूनिक कीजिए अगर व्यूज लाना है यूट्यूब पे। देखो यार मनोज भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, छोटी सी जगह से आना और इतना बड़ा नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यार कभी कभी बकचोदियाँ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज बहुत दिनों बाद एक दिल को ठंडक पहुंचने वाली न्यूज हमारे सामने आ चुकी है, जो टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन हमारे इंडिया पे बैन हो चुका है। इतना क्रिंज कंटेंट, इतना गंदा कंटेंट वहां पे देखने को। मनोज भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब टिकटॉक इतना ही गंदा था तो आप टिकटॉक पे क्या कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों इतना क्रिंज कंटेंट, इतना गंदा कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो यार जितने भी टेक चैनल्स हैं वो अपना एक मीटअप करते हैं, मीटअप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बकचोदी तब हो जाती है जब कुछ लोग 20-30 लोगों से मिलने के लिए बॉडीगार्ड लेके। हां बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच भाई यहां पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। भैया जी को बहुत आगे पहुंचाओ, बहुत आगे के लिए। अब मुझे कोई बता सकता है कि बॉडी आड़ी क्या जरूरत थी? लेकिन दिखावा नाम की चीज होती है इस दुनिया में, और इस भाई साहब ने इतना दिखा दिया, ऐसा लग रहा है इससे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया। भाई सारे के सारे एक से बढ़कर एक जोकर हैं। अब मनोज का मीठा भाई कतई जय लौंडे उसके अंदर आग लगा देते हैं। भाई देख रहे हो प्यार देखो बंदों का, मनोज भाई के लिए लोग यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन मनोज का जो चैनल है ये इतनी आसान भाषा में आपको बताते हैं जो भी अपडेट आता है यूट्यूब का बताते हैं। जितने लोग भी तुम्हें इसके आसपास दिख रहे हैं सारे के सारे छोटे मोटे यूट्यूबर हैं और एक मकसद से आए हैं। ये भोसड़ी वाला जो मनोज की बड़ाई मारते हुए थक नहीं रहा, इसके 13,000 सब्सक्राइबर हैं, और ये वाला माधवचंद सब्सक्राइबर ऐड करके रखा है। ये लोग यहाँ इसलिए हैं ताकि मनोज इनका चैनल प्रमोट करे और इनका चैनल हवा में उड़ जाए, नैया पार हो जाएगी। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, प्लीज कभी टेक यूट्यूबर के मीटअप में मत जाना।